2.1 में कोई डाउट नहीं है बेटा? नो सर। ओके चलिए भाई, उसके बाद नेक्स्ट 2.2 एक्सरसाइज 2.2 में कोई डाउट है तो बोलो बेटा फटाफट से। 2.2 एनी डाउट? नो सर। नो सर। कोई डाउट नहीं है? नो सर। केतन, नव्या, तरुण, हेतल, अवनी, बेटा कोई डाउट है तो बोलो फटाफट से, नहीं तो आगे बढ़े। सर नो डाउट। ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2.3। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। ओके ये क्या था बस करने के लिए? सर 2.4 अच्छा क्वेश्चन 3 ओनली। ओके 2.3 में कोई डाउट नहीं है? नो सर। ओके 2.4 में बोलो बेटा। यस सर हो गया था। डाउट बोलिए जरा। नो सर कोई नहीं। कोई डाउट नहीं है 2.4? कोई डाउट नहीं है बेटा? नो सर। नो सर। ओके बेटा चलिए भाई, जिन लोगों ने जो भी एक्सरसाइजेस हैं उनके सॉल्यूशन सबमिट कर दिए अच्छी बात है, जिन्होंने सबमिट नहीं किए हैं वो नेक्स्ट क्लास से पहले पहले सबमिट करेंगे तभी क्लास में अलाउड करूंगा मैं, अदरवाइज क्लास में अलाउड नहीं करूंगा। क्लियर है वाली बात अच्छे से? तो क्लास नोट्स की कॉपी में कहां तक हो गया था बेटा? सर आप क्वेश्चंस करवा रहे थे। क्वेश्चंस करवा रहे थे कहां तक हो गया था? लास्ट क्वेश्चन क्या था बेटा अपना? सर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी इफ x माइनस 1 एंड x प्लस 3 आर द फैक्टर्स ऑफ x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस बी। ओके तो अपन बात कर रहे थे फैक्टर थ्योरम पे क्वेश्चंस कर रहे थे है ना? यस सर। ओके फैक्टर थ्योरम पे क्वेश्चंस कर रहे थे। चलिए भाई अच्छी बात है, फिर बी का वैल्यू फाइंड आउट किया था, ए का वैल्यू आया था 3 एंड बी का वैल्यू आया था 15। ओके यस सर। यस सर। ओके चलिए उसके बाद एडिंग डालिए फैक्टराइजेशन ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो फैक्टर के बारे में तो अपन देख ही चुके हैं कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है वो किसी दूसरे पॉलिनोमियल को अगर कंप्लीटली डिवाइड करता है, क्या करता है? कोई भी पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल को अगर कंप्लीटली डिवाइड करता है दैट मींस दैट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन सेकंड पॉलिनोमियल, है ना? क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस। उसके बाद लिखे हाँ तो फैक्टराइजेशन में लिखे फैक्टराइजेशन इज एक्सप्रेसिंग अ गिवन पॉलिनोमियल फैक्टराइजेशन इज एक्सप्रेसिंग अ गिवन पॉलिनोमियल
even polynomial as a product of two or more polynomials. For example, जैसे लिखा होता है एक्स स्क्वायर माइनस 16 है ना, तो ये क्या है, समय डिफरेंस की फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको अगर दो या दो से ज्यादा फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते, जैसे कि इसको अपन लिख सकते थे एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, दैट इज रिटन एज एक्स प्लस 4 एंड एक्स माइनस 4। तो ये क्या हो गए, दो पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया अपन ने इसको एक्स स्क्वायर माइनस 16 को, तो इसका मतलब यहाँ पे अपन ने इसका क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन कर दिया। क्लियर है बेटा ये? यस सर। गुड। और जैसे अपन बात करें, जैसे ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लिखा हुआ है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। Yes. Okay. उसके बाद लिखे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, फर्स्ट फर्स्ट मेथड है टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। इसमें क्या होगा, जितने भी टर्म्स गिवन है उन टर्म्स में से अगर कुछ भी फैक्टर, कोई भी एक फैक्टर जो है वो अगर कॉमन, क्लियर है क्या बेटा ये? यस सर। यस सर। तो लिखिए when each term of an expression has a common factor, when each term of an expression has a common factor, then take it out as a multiple. Okay, beta? Yes, sir. Yes, sir.
ओके चलिए, तो जैसे कि अपन देखें क्वेश्चन देखें, इस पे उसने बोल दिया फैक्टराइज फैक्टराइज फर्स्ट 5x² + 7xy, सेकंड वन इज 6 times 2a + 3b² + 3 times 2a + 3b. हो गया क्या बेटा? हो गया फैक्टराइज बेटा? यस सर। फर्स्ट वाले में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा बेटा? फर्स्ट वाले में कॉमन फैक्टर क्या आया बेटा? सर एक्स। x कॉमन आ रहा है फर्स्ट वाले में, x को कॉमन लिया तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा बेटा यहाँ पे 5x एंड प्लस यहाँ पे क्या रह जाएगा बेटा 7y। ओके सेकंड वाले में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है बेटा? सर कॉमन फैक्टर क्या आएगा इसमें? सर 2 2a प्लस 3b, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स दे रखी है, एक टर्म ये रहा अपना फिर ये प्लस साइन फिर ये दूसरा टर्म, तो इन दोनों टर्म में देखो यहाँ पे 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पे 2a प्लस 3b कॉमन आ रहा है, और साथ ही साथ देखो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे गिवन है 3, तो साथ ही साथ क्या कॉमन आ रहा है 3b तो कॉमन आ रहा है बेटा। ओके तो देखिए यहाँ पे क्या रिमेनिंग रह जाएगा, 6 में से 3 कॉमन आया तो रिमेनिंग रह जाएगा 2। ओके और यहाँ पे क्या रिमेनिंग रह जाएगा बेटा 2a प्लस 3b रह जाएगा बेटा। ओके प्लस यहाँ पे ये 3 * 2a प्लस 3b कंप्लीटली कॉमन आ गया तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा 1। ओके बेटा तो जाएगा 3 टाइम्स 2a प्लस 3b * ये कितना हो जाएगा 4a प्लस 6b प्लस 1, ये हो जाएगा फैक्टराइज, इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। क्लियर बेटा ये अच्छे से? यस सर। ओके बड़े आगे बेटा। यस सर। उसके बाद सेकंड मेथड। फैक्टराइजेशन ऑफ द डिफरेंस ऑफ difference of square of two terms, है ना? दो टर्म के स्क्वायर का डिफरेंस दे रखा हो, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा बेटा एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, इज दैट क्लियर? ओके गुड।
ओके नॉट डन बेटा यस सर चलिए भी इस पे एग्जांपल्स देख लेते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास लिखा हुआ है 9x² - 16y² तो इसको अपन फैक्टराइज करेंगे तो देखो बेटा इसको 9x² को मैं क्या लिख सकता हूँ 3x² - 16y² को लिख सकता हूँ मैं 4y² लिख सकता है बेटा ऐसा तो ये अब कैसी फॉर्म बन गई x² - y² जैसी फॉर्म बन गई दैट इज x + y एंड x - y ये हो जाएगा इसका फैक्टराइजेशन क्लियर है बेटा ये नेक्स्ट एग्जांपल जैसे कि अपने पास में लिखा हुआ है x³ - x तो देखिए पहले तो इसमें क्या आ रहा है x कॉमन आया तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा x² - 1 x² - 1 को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा x² - 1 को लिख सकते हैं 1² लिख सकते हैं ऐसा तो ये फिर से a + b - b बन गया हो जाएगा x × x + 1 एंड x - 1 क्लियर हुआ बेटा ये अच्छे से यस सर ओके हो गया बेटा ये यस सर ओके इसी के साथ ही अपन अच्छे से जानते हैं बेटा a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर तो सब लोग जानते हो तुम लोग a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा a² + b² + 2ab और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab ओके चलिए भाई अब अपन अच्छे से जानते हैं कि कई बार क्या होगा कि अपने पास में ये जो भी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू टर्म्स है ये क्लियरली नहीं दिया होगा वो अपने को क्रिएट करना पड़ेगा तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं जरा देखिए बेटा अगर अपने पास में यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसने बोल दिया क्वेश्चन अपने पास में दिया कि फैक्टराइज x⁴ + 1 फैक्टराइज अपने पास आ गया फैक्टराइज x⁴ + 1 अब यहाँ पे a² - b² जैसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा x² - y² जैसा फॉर्म तो नहीं दिख रहा तो अपन क्या करेंगे इसको a² - b² या x² - y² की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे देखेंगे जरा यहाँ पे टर्म्स क्या क्या गिवन है वो देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे x⁴ है तो x⁴ को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा x² का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ यस और नो यस प्लस ये जो 1 लिखा हुआ है इसको मैं 1² लिख सकता हूँ लिख सकते हैं बेटा ऐसा यस अब इसमें इसको मैं क्या करूंगा परफेक्ट स्क्वायर बना देता हूँ दो टर्म के सम का या डिफरेंस का स्क्वायर बना देता हूँ तो देखिये भाई इसमें a² वाला टर्म ये रहा b² वाला टर्म भी है अब इसमें अगर +2ab का टर्म आ जाए 2 × a यहाँ पे कितना है x² और × b यहाँ पे कितना है 1 ये अगर टर्म आ जाएगा तो ये a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा ये वाला यस तो ये अपने ऐड किया है तो इक्वालिटी ऑल रहने के लिए माइनस भी करना पड़ेगा बेटा इसको इज दैट क्लियर बेटा यस यस यहाँ पे a² + b² का टर्म गिवन था अपने 2ab का टर्म ऐड कर दिया और 2ab की टर्म सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा बेटा यस इसका स्क्वायर बन जाएगा a यहाँ पे कितना है x² सर हमने सब्ट्रैक्ट क्यों किया 2ab जैसे अपन ने अपने पास में गिवन था अपने पास 8 गिवन था तो अपनी इच्छा से अगर अपन ने मतलब ये कोई भी एक वैल्यू गिवन थी इसमें अगर अपन ने कुछ भी ऐड किया है ऐड करने पे इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा बेटा लेकिन अपन तो ये कहते हैं ना कि वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए यस सर तो वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए तो उसके लिए अपन क्या करेंगे उस इक्वालिटी को होल्ड रखने के लिए जो क्वांटिटी गिवन है उसकी वैल्यू को सेम रखने के लिए अपन क्या करेंगे बेटा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे जो ऐड किया उसी को अगर अपन ने सब्ट्रैक्ट कर दिया
तो वो एक्सप्रेशन जरूर चेंज हो जाएगा लेकिन उसके वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देखिए ओवरऑल अपन ने क्या चेंज किया है इसमें, ओवरऑल क्या चेंज किया बेटा, जीरो। यस इज दैट क्लियर? यस सर। ओके बेटा, ओके चलिए भाई, तो ये जाएगा a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर, जहां पे a क्या अपना x स्क्वायर और b यहां पे कितना अपना 1 है, इसका होल स्क्वायर बन गया बेटा, यस और नो? यस सर। ओके और माइनस यहां पे क्या दे रखा है अपने पास, 2x स्क्वायर दे रखा है, क्लियर है? इसको ओवरऑल अगर स्क्वायर लिखना चाहेंगे तो किसका स्क्वायर बनेगा बेटा, ये ओवरऑल किसका स्क्वायर हो जाएगा सर, a स्क्वायर रूट टू एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको टू एक्स स्क्वायर को, टू को क्या लिख सकता हूं मैं, रूट टू स्क्वायर लिख सकता हूं बेटा। यस। ओके तो अब ये क्या बन गया सर, कैसे समझ नहीं आया रूट टू कैसे आया, टू को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, टू को अपन ये तो लिख सकते हैं ना, रूट टू इंटू रूट टू। यस सर, क्योंकि रूट टू का स्क्वायर क्या होता है बेटा, टू ही तो होता है, टू। ओके यस। ओके तो यहाँ पे ये लिखा हुआ था टू इंटू एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ था, देखो टू एक्स स्क्वायर और टू एक्स का होल स्क्वायर बोथ आर नॉट इक्वल, ठीक है ना, क्योंकि ये तो 2x कंप्लीट का स्क्वायर है और ये 2 इनटू ओनली x का स्क्वायर है, इसमें डिफरेंस रखना है अपने को हमेशा, क्लियर है? यस सर। ओके तो देखिए जरा, यहां पे हो गया अपने पास में 2x स्क्वायर था, इसको अपन क्या लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि √2x का स्क्वायर ओपन करोगे तो √2 का स्क्वायर 2 एंड x का स्क्वायर x स्क्वायर 2x स्क्वायर बन जाएगा, क्लियर बेटा ये वाली बात? यस सर। अब ये कैसी फॉर्म बन गई बेटा, x square minus y square, x square plus 1 plus root 2x and x square plus 1 minus root 2x, clear हुआ बेटा ये अच्छे से? Yes. Okay, जल्दी से note down कर लो बेटा। Sir, done. Done? No, sir, one. Okay, beta. Sir, done. तो बेटा अभी क्या है कि लाइट चली गई है तो रिकॉर्डिंग पॉसिबल हो नहीं पाएगी अभी, है ना, क्योंकि लैपटॉप जो है वो ऑफ होने वाला है, तो आज की कहानी अपन यहीं तक रखेंगे, बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके 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 बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर सब लोग, अपना अपना ध्यान रखो, मस्त रहो। So homework. Okay,